सांगो दुखखंड से करीब 11 किलोमीटर दूर लछेड़े गांव में स्थित लखवेश्वर बालाजी मंदिर, जहां लोगों की मान्यता है कि बालाजी द्वारा लखवे की बीमारी का इलाज किया जाता है। तो आइए जानते हैं यहां कि किस प्रकार बालाजी द्वारा लखवे की बीमारी का इलाज किया जाता है। कमलर पंचायत के लछेड़े कला गाँव में स्थित लखवेश्वर हनुमान मंदिर किसी चमत्कारिक जगह से कम नहीं है। दावा है कि यहाँ लखवे की बीमारी से जूझते हर व्यक्ति की बीमारी दूर होती है। मान्यता यह भी है कि यहाँ लखवे से पीड़ित हर व्यक्ति को राहत मिलती है। वो आता तो दूसरों के सहारे है, लेकिन जाता अपने आप है। पपावर कमोलर मार्ग पर महज 3 किलोमीटर दूर स्थित लखवेश्वर हनुमान मंदिर के प्रति क्षेत्र के लोगों में अगाध आस्था है। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की खासी भीड़ यहां रहती है। दर्शनों के लिए लोग ललायित रहते हैं। मेला सा माहौल रहता है तो दूर दराज के बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इनमें लखवे से ग्रसित मरीजों की संख्या अधिक रहती है। यहां पूजा अर्चना करने मात्र से कई प्रकार के लखवे की बीमारी दूर हो जाती है। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में लखवे से पीड़ित मरीज पहुँचते हैं। ये लखवेश्वर धाम शांतिदास जी महाराज के द्वारा जो तपस्या की गई, तो शांतिदास जी महाराज ने तपस्या करने के बाद में जो ही वो तपस्या से निवृत्त हुए तो समस्त ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए और ग्रामवासियों को बताया कि यहाँ पर आने वाले समय में ऐसे रोगों से निजात मिलेगी जिससे आगे आने वाले समय में काफी संख्या में मरीजों को आराम मिलेगा और विशेषकर लखवा नामक बीमारी मिटेगी। धीरे धीरे 2-4 महीने निकले, ठाकुर साहब अनार सिंह जी के ऊपर इस बीमारी का प्रकोप हुआ तो ठाकुर साहब अनार सिंह जी को यहाँ पर लाया गया। ठाकुर साहब अनार सिंह जी तत्काल यहाँ पर लाने के बाद में ठीक हो गए और उसी समय से ये हनुमान जी की मूर्ति का नाम लखवेश्वर हनुमान जी रखा गया। गांव के काफी प्रतिष्ठित लोग जो है 5-6 व्यक्तियों पर इस बीमारी का प्रकोप हुआ वो भी यहाँ पर लाने के बाद में तत्काल ठीक हुए और जो गांव के जो आसपास के रिश्तेदार हैं जिनके रिश्तेदार थे जिनको इस बीमारी का प्रकोप हुआ उनको सूचना दी गई। सूचना के माध्यम से वो भी यहाँ पर आए और उनको भी इस बीमारी से निजात मिला। कई ऐसे मरीज भी हमारे पास में अभी भी नाम याद है उनके, कमोलर ग्राम के प्रहलाद जी नायक है जिनको कोटा मेडिकल डिपार्टमेंट वालों ने बिल्कुल सेवा के लिए निकाल दिया था। आज उस बात को करीब 15 साल हो गए और वो व्यक्ति अभी भी बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। कोई ये नहीं बता सकता कि ये लखवा का मरीज है। दूसरी बात, पास का गांव है खड़िया जिसमें मदनलाल जी नागर हैं। मदनलाल जी नागर को भी आज से करीब 17 साल पहले इस बीमारी से ग्रसित थे और इस बीमारी से निजात मिली। आज भी वो मदनलाल जी नागर बढ़िया कंडीशन में घूम रहे फिर रहे हैं। मदनलाल जी नागर की उम्र लगभग 80 वर्ष के लगभग है। ऐसे कई लोग हैं जिनके नामों की मेरे पास लिस्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे मरीज आज भी वो लोग यहाँ पर आते हैं। निसंतान को भी संतान मिला है और यहाँ तक कि कैंसर के मरीजों का भी कई लोगों के इलाज भी हुए हैं। और मनुष्य का इलाज तो क्या, लेकिन जानवरों के भी इलाज यहाँ पर हुए हैं। लखवेश्वर हनुमान जी महाराज का चमत्कार आज भी वैसा का वैसा ही है और
बाबा धर्मदास जी महाराज के द्वारा इस पावन भूमि पर आज ये पंचम यज्ञ की शुरुआत हुई है। ये बहुत ही तपोस्थली बन चुका है। कई साधु संतों द्वारा यहाँ पर तपस्या की जा रही है, ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार भी हो रहे हैं, मूर्तियों का अभिषेक भी हो रहा है। ये पंडित महावीर शर्मा यहाँ का पुजारी है। इस महावीर शर्मा ने के द्वारा बताए हुए कई कार्यक्रम पंडितों द्वारा भी चल रहे हैं। सांगोद विधानसभा में स्थित कई ऐसे देवस्थल और पुरातत्विक स्थान जिनका हम आने वाले समय में आपको इतिहास बताएंगे, तो ऐसी कई अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सांगोद न्यूज के साथ। धन्यवाद।